भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में थे, तो बोले चलो आज भक्तों के दर्शन करते हैं। माता जी ने कहा चलो। भगवान एक साधु के वेश में हो गए, माता जी पीछे साध्वी के रूप में हो गई। एक धनी आदमी चारपाई पे बैठा सुपारी कतर के खा रहा था, पचासों गाय भैंसे सब, उसे कहा भाई 100 ग्राम दूध दे दो, हमारे ठाकुर को स्नान करवाना है। जाने क्या क्या अशुद्ध शब्द बोल गए। पार्वती जी एकदम रुद्र दृष्टि हो, हम दर्शन कराने आए भक्त के, पहले धूप का कष्ट सहले तो छाया का सुख मिलता है, पहले अभक्त के दर्शन करो तब तुम्हें भक्त के दर्शन कराएंगे। हटे भगवान शिव और कहा हे भगवान श्री हरि, इसके पास जितनी संपत्ति है इससे और 100 गुना इसकी बढ़ जाए। माता जी और ऑर्डरदानी तो कहते ही, उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, गाली दी ऊपर से, और ये भगवान है। फिर भगवान बोले आओ चलते हैं तुम्हें भक्त के दर्शन कराने। एक गांव में गए, तो फुसा की झोपड़ी थी, उसमें उसकी माँ रहती थी, एक गाय थी जवान आदमी। गंगा जी पार्श्व में बहती थी, गंगा नहा के भजन करता, माता की सेवा के लिए मेहनत करता, और गाय जो थी 100-200 ग्राम दूध देती थी, उससे माता जी की सेवा। भगवान शिव गए, भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए 100 ग्राम दूध, तो जो देसी गाय होती है वृद्ध हो गई, वो आधा लीटर 500 ग्राम एक बस है, ज्यादा नहीं अपनी जो दे, हाँ नवीन हो तो 5-6 लीटर तक, ये 20-25 लीटर अपने देसी गायों में नहीं होता, तो थोड़ा दूध देती थी, पूरा दूध रख दिया, पाओ आप ऐसे पाया। थोड़ी देर भगवत चर्चा की, चल दिए और कहा हे भगवान इसकी गैया और मैया दोनों ले लो। अम्बा जी को अब नहीं रहा गया, बोले जो 100 ग्राम दूध ले दिया उसको 100 गुना संपत्ति दे दी, ये हिसाब भाई समझ में नहीं आया, और जिसने जितना था उतना दे दिया, गरीब आदमी तो उसके दूध की जो वृत्ति आती थी वो गैया और बात करने के लिए थी मैया, दोनों आप ऐसा बोले, यही तो समझ ठीक समझो, अभी इसका कुछ समय गैया और मैया में जाता है, अब ये अखंड भजन करके परमात्मा प्राप्ति करेगा, और वो उतने वैभव में तो अपमान संत का कर दिया, जब 100 गुना और बढ़ेगा तो महापाप करेगा, नरक जाएगा, समझ रहे। तो भगवान के विधान को हम लोग समझ नहीं पा रहे, अगर हमें भगवान नहीं दे रहे तो जरूर हम पर कृपा कर रहे, ऐसा हमें मानना चाहिए। नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, सभी आप ये भक्ति का रास्ते समझ पाओगे। दूसरों से सुख लेने की भावना, भगवान को भूलकर संसार में रमना, तो आप अध्यात्म नहीं समझ पाओगे, भक्ति नहीं समझ पाओगे, तो पापाचरण बनेंगे, हृदय अशांत रहेगा, दुर्गति हो जाएगी।